अफगानिस्तान में अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों को चेतावनी दी कि वो काबुल एयरपोर्ट के बाहर जमा ना हो। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने यह भी कहा है कि जब तक इवैक्यूएशन की प्रक्रिया यानी कि यह मिशन पूरा नहीं हो जाता तब तक अमेरिका अफगानिस्तान से हटने वाला नहीं है। काबुल सीरियल ब्लास्ट पर देर रात अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। काबुल सीरियल ब्लास्ट की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकी संगठन आईसिस को अमेरिका रक्षा मंत्रालय ने चेतावनी दी है। अमेरिका ने कहा है कि आईसिस उनके मिशन को नहीं रोक सकता और वो हमला करने वाले के पीछे जरूर जाएंगे। साथ ही अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को आगाह किया है कि आतंकी संगठन उन पर और हमले कर सकते हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुए 2 हफ्ते भी नहीं हुए हैं। अमेरिकी सेना अभी पूरी तरह लौटी नहीं है, लेकिन काबुल में अमेरिका की जमीन इतनी कमजोर हो गई है कि अमेरिकी सरकार को अपने नागरिकों के लिए यह अलर्ट जारी करना पड़ रहा है कि वो काबुल एयरपोर्ट के बाहर जमा ना हो। काबुल में अमेरिकी दूतावास ने अमेरिकी नागरिकों को सलाह दी है कि वो अभी हामिद करजई एयरपोर्ट पर नहीं जाएं। इस सिक्योरिटी अलर्ट में कहा गया है कि जो अमेरिकी नागरिक काबुल हवाई अड्डे के गेट पर मौजूद हैं, वो तुरंत वहां से हट जाएं। अमेरिकी दूतावास की वेबसाइट पर जारी इस एडवाइजरी की कोई वजह नहीं बताई गई है, लेकिन इसमें अमेरिकी नागरिकों से कहा गया है कि वो अपने आसपास मौजूद लोगों और चीजों को लेकर सतर्क रहें, खासतौर पर भीड़भाड़ वाली स्थिति में चौकन्ना रहें। अमेरिका को आशंका है कि काबुल एयरपोर्ट पर जमा भारी भीड़ का फायदा आतंकवादी उठा सकते हैं और अमेरिकी नागरिकों पर हमला कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।